बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ऐसा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, और अच्छे क्यों ना हो, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, खाना खाइए आप लोग। जैसे कि अभी मैं पटना में हूँ, तो फिर बारिश बहुत ज़्यादा भी बारिश हुई है कुछ देर पहले, और मौसम देख सकते हैं जी, इधर देख सकते हैं बादल किस तरह से घिरा हुआ, लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला है। और काफ़ी हद तक मतलब क्या होगा कि सुबह जब से उठे ना, तब से सुबह सुबह से बारिश हो रहा है, उनके बाद लाइट भी नहीं है, तो सोचे कि तो छत के ऊपर से घूम के आते हैं, लेकिन छत के ऊपर देखिए पानी लगा हुआ, लेकिन उतना भी पानी नहीं है, लेकिन बारिश तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। और क्या होता है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। सोच रहे थे कि हेयर कटवाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया, तो अकेले तो मन नहीं कर रहा जाने का, तो सोच रहे थे साहिब भाई चलो बाल कटवा गया थे। हाँ, आराम से कटवा लेंगे यार। कटोगे तुम? चलो सोच रहे क्या दोनों मिला करके क्या करते, टकला कर ले करोगे? टकलाई करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, टकलाई करने से ज़्यादा अच्छा है। तुमको हम मतलब ऐसा नहीं कि तुमको करोगे, पक्का करोगे? देखो हम भी करेंगे। हाँ, तुम करोगे तो हम भी काहे नहीं। लेकिन यार इतना बड़ा बड़ा बाल करवाए हैं, मतलब बहुत दिनों से बाल नहीं काट काट के इतना बड़ा बाल हुआ है, मन नहीं कर रहा, लेकिन जा रहे हैं हम और साहेब मिल करके बाल कटवाने के लिए। जैसे ही बारिश खत्म हुआ था निकले थे बाल कटवा निकले, फिर बारिश, सोचे कि अभी भीड़ उतना होगा नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से आदमी घर से निकलता नहीं है क्या, तो इसी वजह से जाते हैं। तो दोनों भाई करने वाले हैं टकला, तो मतलब साहब करने वाला नहीं था, साहब को हम जीत के कि भाई हम करेंगे, तो बोला चलो साथ में दोनों का एक कंपनी मिल जाएगा, तो दोनों मिलकर टकला कर लेंगे। तो अभी जा रहे हैं साहब और हम जाके टकला करके आते हैं। पक्का करोगे टकला ना? पक्का करेंगे। पक्का? क्योंकि हम करेंगे तो भाई हमको तकलीफ होगा बहुत, फिर तो हम पर अकेले अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी करना है तो साथ में तुमको भी करना पड़ेगा। लाइट कहाँ है? लाइट तो है ही नहीं। बाल छीलने आए हैं? नहीं, टकला करने आए दोनों भाई मिल करके। हाँ, दोनों टकला करेंगे, सोच के आए एकदम, पूरा प्लान के साथ आए। सही, पक्का? दोनों चैलेंज किए ना, चैलेंज अगर हम करेंगे तो ये करेगा, लेकिन पहले इसको बैठाते हैं, उसके बाद हम कर बैठेंगे। ये हो गया साहेब तैयार, तो बढ़िया से काटेगा भाई, जैसे अपना है अपने तरह टकला करिएगा इनका। आपका तो नेचुरल है ना। पहला स्टेप पीछे से ले चुका है, पीछे से। साहेब कैसा लग रहा भाई? नहीं तुमको पूछना पड़ेगा, तुमको अच्छा लग रहा है ना? अब सुस्त नहीं हो रहा है ना? देखो जब तुम्हारे बात तो फिर हम भी करेंगे ना। मेरे एक बात बताए, एक बात बताए, हम नहीं करने वाले कसम से। देखिए यहाँ पे हम लोग रेगुलर बाल कटवाते हैं, मतलब जब भी बाल कटवाना होता है इस भैया के पास आके करते हैं। तो भैया आपका नाम सबसे पहले बता दीजिए। अनिल कुमार। क्या नाम है आपका? नाम अनिल कुमार जी। तो ये जगह का नाम बताइए जो कोई। अनिल कुमार शर्मा, तनुश्री जेंट्स पार्लर, मोहम्मदपुर कब्रिस्तान जी। मतलब कैसा रेट है आपके बाल कटवाने का? बाल का है 7 रुपया 70 रुपया है। 7 रुपया? 60 रुपया 70 रुपया है जी। उसका मसाज वसाज भी करवाते हैं क्या? बॉडी मसाज नहीं करते हैं, बॉडी मसाज नहीं करते, हेड मसाज हल्का फुल्का कर देते हैं, दिल को खुश करने के लिए ब्लीच फेशियल मसाज, जो भी चीज़ आप लोग को सुविधा मिले वो सब दिया जाएगा यहाँ। फाइनली अभी उभर के जो सूरत आया इनका साहेब भाई का, नहीं रहे दाढ़ी छोड़ देना ठीक है, तो पूरा कटप्पा जैसे लोगों को। नहीं नहीं दाढ़ी यार, हमको तो मन ही नहीं कर रहा, लेकिन हम नहीं करवाने वाले, बात जान लो यार, हम नहीं करेंगे। आपका कैंची हम मान दे रहे हैं। नहीं नहीं, अभी हमको बाल नहीं कटवाना, अभी सोच रहे अभी सोच रहे हैं 2-3 महीना बाल नहीं कटवाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, अजीब सा लग रहा है बाल अभी। रहने जब तो तुम्हारा उगने लगेगा तब हम बाल कटवा। साहेब ये मस्त लग रहा है साहेब, एक सेकंड। मस्त लग रहा है, दाढ़ी नहीं बनाया, दाढ़ी बन गया है, छोड़ दो, इधर से तो सही लग रहा है। देखो एक साइड से रहेगा, नहीं नहीं हां ठीक है। फाइनल लुक जो बन के तैयार हुआ है देख लीजिए, फाइनल लुक इसका, उठाइए। ओहो वाओ, वेरी डेंजरस, मस्त लग रहा है, चिकना लग रहा है भाई, चिकना लग रहा है तुम। हम तो नहीं कटवाने वाले, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल लुक लेने दो। हम नहीं कटवाएंगे भाई, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम तुम कर लो। नहीं नहीं, ठीक है। तो फाइनली भाई का बाल कट के बहुत अच्छा लुक आया है, लेकिन मेरा सिरवा
बच गया तो अब ये इससे पढ़ने वाला था। चलो बच गए। बाल कटाने के बाद जूस पीना जरूरी है क्या? फायदा ये होता है कि बिल्कुल मौसम भी साफ रहता है। बाल कटाने से मौसम साफ रहता है। अच्छा, बाल का मौसम साफ रहता है। और भाई बाल कटवा करके जूस पीता अच्छा लग रहा है भाई। बाल कटाने तो मैं भी गया था लेकिन हिम्मत नहीं मिला कि देखिए लुक अच्छा वाले थे। कसम से मजा आ रहा है। नहीं नहीं, हमको थोड़ा सा ना क्या लग रहा था कि अजीब सा लगा। तुमको देख के इतना खूबसूरत लग रहे हो ना, हमको इतना खूबसूरत बनना नहीं था इसलिए बाल नहीं कटवाए। देखेंगे नेक्स्ट टाइम। सो गाइस, बाल तो कटवा दिए, वो भी मेरा नहीं साहिब भाई का। और हुआ ये था कि पूरा प्री प्लान मेरा था कि हमको अपना बाल कटवाना था, तो यही सोच के गए थे हम अपना बाल काटेंगे। और वहाँ जाके होता क्या कि कभी भी मेरे साथ तो ये होता है, जब भी हम अगर नाई के पास बाल कटवाने आते हैं और नाई का मिरर सामने दिखने को मिलता है वो भी क्लीन, तो वो भी बहुत अच्छा लगने लगता है कि ना यार बहुत स्मार्ट लग रहा है। बाल तो नहीं कटवाना है तो फिर नहीं कटवाया, साहिब भाई का बाल कटवा दिए। और जो भी एक तरह का उसको प्रैंक ही समझे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और सबसे बेस्ट जो पार्ट होगा, जो लगता है कि नहीं यहाँ पे आपको अच्छा लगा, तो उस पार्ट को आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। फिर आते हैं। जय हिंद, जय भारत।